कार्पेट से लगता है कि छोटे पर्दे का रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। जी हाँ, पिछले साल हिना खान के बाद अब एक बार फिर से छोटे पर्दे की एक कलाकार जगमगाएंगी रेड कालीन पर, यानी कि कांस के रेड कार्पेट पर। हम बात कर रहे हैं शिवांगी जोशी की, जो अपनी शॉर्ट फिल्म लेकर कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने वाली है। रिश्ता क्या कहलाता है मैं, जहाँ रिश्ते की पक्की डोर अक्षरा ने छोड़ी तो उसी डोर को संभाला नायरा ने, और नायरा अब अपनी माँ की एक और परंपरा को आगे बढ़ाने जा रही है। लास्ट ईयर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, शी वेंट विद हर फिल्म, एंड दिस ईयर आई एम गोइंग विद माय फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। शिवांगी को मैंने जहन में रख के कास्ट किया था, क्योंकि अभी ये रिश्ता क्या कहलाता लीड में जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे शॉर्ट फिल्म के लिए प्लस पॉइंट भी है ये कि हम जो कांस में फिल्म लेके जा रहे हैं, नंबर वन शो की लीड एक्ट्रेस जो अभी तक अपार्ट फ्रॉम डेली सोप कुछ नहीं किया है, जो तो उनको लेकर जा रहे हैं, तो इट इज़ बेस्ट, तो हमें भी इसका प्लस पॉइंट मिला है। पिछले साल हिना खान पहुंची थी अपने फिल्म के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में, और अब कांस जा रही हैं शिवांगी जोशी अपनी शॉर्ट फिल्म आर ओन स्काई के साथ। जी हाँ, इस साल मैं कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रही हूँ अपनी फिल्म के साथ, जिसका नाम है आर ओन स्काई, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यार, हम बस अपना बेस्ट देते हैं हमेशा, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, हर दिन, और मैंने बस ये रिश्ता में भी वही किया है, मैंने यहाँ पे भी इस फिल्म के दौरान भी वही किया था, वही था मेरे दिमाग में कि मुझे अपना बेस्ट देना है। स्टोरी लाइन डिफरेंट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस मैसेज। इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ डिफरेंट लव स्टोरी, और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं पुष्पेंद्र जी, हमारे जो DOP हैं सुरेश जी, मुझे काफ़ी मज़ा आया लोगों के साथ काम करके, आई फील दे आर अमेजिंग एंड इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी टू वर्क विद अ डिफरेंट टीम। शिवांगी के साथ साथ फिल्म के साथी कलाकार और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी कांस जाने वाले हैं, और इन्हें उम्मीद है कि ये वहाँ से ट्रॉफी जरूर जीत कर आएंगे। बस आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट नाउ एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट, द टीम हैज गिवन देयर 100%, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वाकई शिवांगी को कांस जाते देख हमें तो यही लगता है कि कांस का और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस का एक खास रिश्ता बन गया है। तो अब कांस में इंडिया के टीवी कलाकारों को एक नई पहचान मिल रही है, ये देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है, और शिवांगी को कांस के लिए सास बहू और साजिश के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।